मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सबा सिकंदर एंड वेलकम ऑन माय फेसबुक लाइव। बहुत दिनों के बाद मैं लाइव हूँ। इनफैक्ट कल लाइव थी लेकिन मैं खुद लाइव नहीं थी, मैंने सेमिनार में आपको थोड़ा बहुत दिखाया था। और चूंकि अभी व्यूवर्स आ रहे हैं, मैं स्टार्ट इसलिए कर देती हूँ कि जब वीडियो पोस्ट होती है तब बड़ा इशू हो जाता है, देखने वाले को लगता है कि शायद कुछ स्टार्टिंग में बोला ही नहीं जा रहा। और मुझे यहाँ पर नहीं पता कि इंटरनेट सिग्नल्स का क्या इशू है या क्या नहीं, लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ सायरा आबिद के साथ। और ये अपना इंट्रोडक्शन जो है वो खुद बेहतरीन अंदाज में करवा सकेंगे क्योंकि इतनी टैलेंटेड हैं और इतना लंबा इनका इंट्रोडक्शन है कि मैं कुछ चीज़ें स्किप कर दूंगी। सो मैं इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ और हमारी मीटिंग रही है जी विधि चेंज के हवाले से, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन हवाले से, और वैसे भी हमारी डिस्कशन जो थी बड़ी प्रोडक्टिव रही है। सो अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू पीपल। अब बिल्कुल जी, लोग आते जा रहे हैं, आप बताएं आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा अपना बताएं, आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अगर आप दें। वैसे तो लोग मुझे जानते ही होंगे, आप लोग ने अगर मिस वीट का शो देखा है, आई वाज अ पार्ट ऑफ मिस वीट पाकिस्तान, और अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इनके साथ काम करना स्टार्ट करने लगी हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर भी हैं, बन रही है और डॉक्टर इन प्रोसेस। अच्छा मुझे बताइए, सबसे मतलब जो आपका एक अच्छा पार्ट रहा है, जर्नी रहा है मिस वीट का, उसमें सबसे अच्छी ये खास बात क्या थी। सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक जो फाइव एट्रीब्यूट्स है ना वीट के, उन पे उतरना। मैंने अगर मैं अपने आप को पास्ट में देखूँ, अब देखूँ ना, मैंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया, जस्ट थैंक्स टू वीट अकेडमी। बिल्कुल ठीक है। और हिजाब के वाले से अगर बात की जाए, मेरे साथ बहुत सारी फीमेल ऐड हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों के दिमागों में ये चीज़ बैठी हुई है कि आप मीडिया में आप हिजाब के साथ नहीं आ सकते और आपको कोई पसंद नहीं करेगा, लोग आपको वेलकम नहीं करेंगे वहाँ पे। बट द मेन थिंग इज़ कि हिजाब इज़ नथिंग, आपके लिए आपका टैलेंट मैटर करता है। आप हिजाब के साथ ही आगे जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। अगर आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस है कि आप आगे फेस कर सकते हैं लोगों को, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इस चीज़ के साथ आप मीडिया में क्यों नहीं काम कर सकते हैं। सबा भी कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर ज़रूर जो लड़कियाँ हिजाब के साथ आगे आना चाहती हैं, प्लीज़ आएँ। हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए। और मैं और आप उनके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं फीमेल के हवाले से। उनकी सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं कि आप आगे आएँ और निकलें आगे। मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, पीछे क्या बातें होंगी, सब कुछ छोड़ दें, बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें और आगे फेस करें। बिल्कुल ठीक है। और लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद थे, तो हमें जो है ना बिल्कुल आपको बाय-बाय करना है, और उसके बाद जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, उनसे मेरी डिस्कशन होगी बहुत सारे टॉपिक्स पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं बहुत सारी बातों को लेकर, तो उन तमाम बातों का मैं जवाब दूँगी लेकिन अपने किसी इंडिविजुअल लाइव सेशन में। तो अभी सायरा आप क्या कहना चाहेंगी बिजी चेंज के हवाले से, जो मैंने आपसे डिस्कस किया है प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वो कैसा लगा आपको सारा आइडिया। बहुत अच्छा है, अगर आप जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं और लोगों में एक चेंज ला रहे हैं, आप लोग खुद एक स्टार्ट चेंज ले रहे हैं, और अगर इनकी तरह हर इंसान चेंज लेना स्टार्ट हो जाए तो डेफिनेटली डेफिनेटली चेंज ज़रूर आ सकता है हमारी सोसाइटी में। तो प्लीज़ गवर्नमेंट को ना ब्लेम करें, अपने अंदर एक चेंज लाएँ और आगे बढ़ें। तो मेरे सबके लिए यही मैसेज है। बिल्कुल जी, और ये एक बड़ी खास बात होती है, हमारी जो डिस्कशन चल रही थी वो इसी हवाले से चल रही थी कि हम लोग बड़ी जल्दी से दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की ज़ात पर उंगली उठाने लग जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ हम पूरी नहीं करते। क्योंकि मैंने एक स्टेटस भी जो दिया था उस हवाले से भी मुझे बड़ी खरी खोटी सुनने को मिली है, तो उस पर इंशाल्लाह मैं बात करूँगी। लेकिन जो हमारी डिस्कशन यही हो रही थी कि यार खुदा का वास्ता है, दूसरों की ज़ात पर उंगली उठाने से बेहतर है कि पहले अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, और जब तक इंसान खुद को चेंज नहीं करेगा, खुद को तब्दील नहीं करेगा, इंडिविजुअल लेवल पे तब्दीली नहीं लाएगा, तब तक ये पाकिस्तान, ये जो आप तब्दीली के नारे लगाते हैं, ये इन पर पूरा नहीं होते। सो थैंक यू वेरी मच सायरा, मीटिंग कैसी रही आपकी मेरे साथ। बहुत अच्छी, आई लव योर कंपनी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है जी, बाकी व्यूवर्स से हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। मोहसिन खान, आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ कमेंट्स जो मैं शामिल कर लेती हूँ इससे पहले कि शिकवे शिकायतें हूँ। आतिफ हमारे साथ थे, शान थे, अब्दुल रशीद थे, मोहम्मद कलीम थे, मोहम्मद यूसुफ थे, अरशद नियाजी साहब थे, अस्सलाम वालेकुम सर, मियाँ अब्दुल गफ़ार थे, अफाक थे, आतिफ थे, मोहसिन, कमर याहिया, अरमान एंड मोहसिन, आप बिल्कुल अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपका कमेंट बाद में ज़रूर रीड आउट कर लूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ हमारी तरफ से।